हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल शैक्षिक पटल पर। आप सभी को सीता माता और भगवान रामचंद्र जी के विवाह पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विवाह पंचमी कहा जाता है। हिंदू धर्म में इस दिन का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन भगवान राम और माता सीता का विवाह हुआ था। विवाह पंचमी के दिन को बहुत शुभ माना जाता है। विवाह पंचमी के दिन अयोध्या और जनकपुर में भव्य समारोह का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी अयोध्या जी में 4 वर्षीय रामायण मेला आयोजित किया गया है। श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं। श्री राम का जन्म राजा दशरथ के पुत्र के रूप में अयोध्या में हुआ था और माता सीता जी का जन्म जनकपुर में हुआ था। राजा जनक जी के पास भगवान शिव का पिनाक धनुष था, जिसे उठाना किसी के लिए संभव नहीं था, लेकिन एक दिन माता सीता ने भगवान शिव के धनुष को उठा लिया। उस दिन राजा जनक ने निश्चय किया कि जो भगवान शिव के धनुष को उठा लेगा, प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसकी पुत्री उसका वरण करेगी। राजा जनक ने सीता जी के स्वयंवर के समय सब राज्यों को निमंत्रण भेजा। ऋषि विश्वामित्र को भी राजा जनक ने सीता के स्वयंवर का निमंत्रण भेजा। श्री राम और लक्ष्मण जी उस समय ताड़का, सुबाहु और राक्षसों के वध के लिए ऋषि विश्वामित्र के आश्रम में थे। दोनों भाइयों को अपने साथ सीता जी के स्वयंवर में ले गए। स्वयंवर में जब कोई धनुष को उठा नहीं पाया तो ऋषि विश्वामित्र ने श्री राम को धनुष तोड़ने की आज्ञा दी। श्री राम ने धनुष को इतनी फुर्ती से, आराम से उठाया और कब प्रत्यंचा चढ़ाया, कब खींचा, किसी को पता ही नहीं चला। उन्होंने धनुष को क्षण में बीच में तोड़ डाला। सीता जी ने श्री राम को गले में जयमाला पहना दी। इसके पश्चात राजा जनक ने अयोध्या नगरी राजा दशरथ को संदेश भेजा और यह भी तय हुआ कि चारों भाइयों का सीता जी की चारों बहनों से आपस में विवाह हो जाएगा। भारत में कई स्थानों पर विवाह पंचमी को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को भगवान श्री राम जनक पुत्री जानकी सीता का विवाह हुआ था, इसीलिए इसे विवाह पंचमी के पर्व के रूप में मनाया जाता है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने इसका बहुत सुंदर वर्णन किया है। लाग पखारन पाए पंकज प्रेम तन पुलकावली, नभ नगर गान निशान जय धुनि उमगि जनु चहु दिशि चली। जे पद सरोज मनोज अरि उर सर सदैव विराजहीं, जे सुकृत सुमिरत विमल तामन सकल कलिमल भाजहीं। भावार्थ है, वे श्री राम जी के चरणों को पखारने लगे, प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाले गान नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। इसी प्रकार से जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान, सुनि हर्षहिं बरषहिं विबुद्धि सुर तर सुमन सुजान। जय ध्वनि बंदी ध्वनि वेद ध्वनि मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं, कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हिमवंत जिम गिरजा महेश ही हरि ही श्री सागर दई, तिम जनक राम महेश समरपि विश्व कल कीरति नई। क्यों करे विनय विदेह कियो विदेही मूर्ति सांवरी, करी होम विधिवत गांठी जोरी होन लगी भावरी। जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह कैसे विनती करें, उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गांठ जोड़ी गड़ी और भावरे होने लगी। जय ध्वनि बंदी ध्वनि वेद ध्वनि मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। वर और कन्या सुंदर भावरे दे रहे हैं, सब लोग आदर पूर्वक उन्हें नेत्रों का परम लाभ देख कर ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन हो ही नहीं सकता, जो उपमा
कहूँ वही थोड़ी होगी। श्री राम और सीता जी की सुंदर परछाई मड़ियों के खंभों में जगमगा रही है, मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। समूह बिलो के वशिष्ठ बुलाए, सादर सता नंद सुन आए, बेगी कुंवरी अब आना हो जाए, चले मुदित मुनि आए सुपाही। समय देकर वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ आए और वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर कुमारी राजकुमारियों को शीघ्र लाइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर सीता जी सुंदर मंगल का साज सजकर स्त्रियां और सखियां आदर सहित सीता जी को लिवा चली। सभी सुंदरियां सोलह श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की चाल चलने वाली हैं। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयलें भी लगा जाती हैं। पाजे पैंजनी और सुंदर कंकड़ ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। सहज ही सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही हैं, मानो छवि रूपी ललनाओं के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बारातियों ने आते देखा, सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हो गए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्द से बड़ा शोर हो रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न है। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर पर सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुलगुरुओं ने किए। कुलाचार करके गुरुजी प्रसन्न होकर गौरी जी गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवकगण उसी समय सोने की परातों और कलशों में भरकर उन पदार्थों को लेकर तैयार रहते हैं। स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता देते हैं, वे सब आदर पूर्वक की जा रही हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर का प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी से भी परे है, उसे कभी क्यों प्रकट करे। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण कर रहे हैं। सारे वेद ब्राह्मण वेश धरकर विवाह की विधियां बता रहे हैं। जनक जी की जगत विख्यात पटरानी और सीता जी की माता का बखान कैसे हो सकता है। सुयश सुकृत सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलाया। सुनैना जी जनक जी के बाई ओर ऐसे सो रही मानो हिमाचल के साथ मैना जी सो रही हो। पवित्र सुगंध और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मड़ियों की सुंदर पराते राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों में लाकर रामचंद्र जी के आगे रखी। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई है। दूल्हा को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। आनंद पूर्वक भावरे फिराई और नेग सहित सभी रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी को सिंदूर में लगा रहे हैं। यह शोभा किसी प्रकार भी कही नहीं जा सकती, मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री राम के हाथ को कमल की, सिंदूर को पराग की और श्री राम की श्याम भुजा को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। श्री वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दुल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे। श्री राम और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी के मन बहुत आनंदित हुआ। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा था। चौदह भुवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा, श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया।
वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी, श्रुति कीर्ति और उर्मिला जी इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुश ध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुणशील और सुख और शोभा का ही रूप थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याहा। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया, जिनका नाम श्रुति कीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान रूप तथा शील में उजागर हैं, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। दुल्हन और दुल्हे ने अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सक्षाते हुए हृदय में हर्षित हो रही हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता को सराहना कर रहे हैं और देवगढ़ फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हने सुंदर दुल्हों के साथ एक ही मंडप में शोभा पा रही हैं। मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्त और तुरीय, अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राज्ञ और प्राम सहित विराजमान हो। सब पुत्रों की बहुओं सहित देखकर अवध नरेश, दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं मानो वे राजाओं के शिरोमणि यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया, ज्ञान क्रिया सहित चारों फल, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष पा गए हों। जसी रघुवीर ब्याहे विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी, कहीं न जा कछु दाइज भूरी, रहा कनक मणि मंडप पूरी। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई, उसी रीत से सब राजकुमार विवाहे गए। दहेज की अधिकता कुछ नहीं कही जा सकती, किंतु सारा मंडप सोने की मणियों से भर गया। विवाह पंचमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद। नमस्कार।